हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु सिंगल। स्वागत है भाई आपका एक और नई वीडियो में। तो आज आपके लिए भाई किया की गाड़ी की वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे कि बहुत डिमांडिंग में गाड़ी रहती है किया की अपना सेल्टोस रहने वाली है। तो इसका कौन सा वेरिएंट है, कितना इसका प्राइस वगैरह, सारी आपको आज डिटेल्स दिखाएंगे। तो आगे चलो वीडियो में चलते हैं। तो मैं पहले अगर वेरिएंट का नाम बताऊँ इसका, तो वेरिएंट का नाम रहेगा इसका सेल्टोस HTX IVT। ये आपका पेट्रोल ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है, CVT इसमें गेयरबॉक्स आता है। और जो इसके प्राइस की बात, आप प्राइस जानने के लिए आगे वीडियो में देखते रहिए, प्राइस भी आपको सारा बताएंगे। तो जैसा कि भाई मैंने आपको बताया, ये जो अपनी सेल्टोस है, ये इसका HTX वेरिएंट रहने वाला है, जो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी एक वेरिएंट मैं इसको कहूँगा। और ये और ऑटोमेटिक में आता है, तो उसके कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा। एक्स शोरूम प्राइस इसका जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको एक्स शोरूम प्राइस भी इसका बताऊँगा। तो चलो भाई आगे चलते हैं वीडियो में। तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें फ्रंट में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। फ्रंट में एक तो आपको इसका किया को लोगो पहले वो अलग सा आता था ना, ब्लैक उसमें बैज सा था, उससे चेंज करके अभी अलग ही फॉन्ट इन्होंने लगा के दे दिया सिल्वर फिनिश में। तो ये अब ऐसा है। और जो इसकी टाइगर नोज ग्रिल है, वो भी आपको देख रहा होगा, जो पुरानी वाली किया से ही कंटिन्यू हो रखी है इसकी। तो ये भी काफ़ी अच्छी इसमें देखने को मिलती है, पूरे ही क्रोम फिनिश देखने को मिलती है। हेडलाइट की एक्सटेंशन आपको यहाँ तक देखने को मिलती है, जो DRL आती थी पहले, आपको पता है वो पहले ऊपर आती थी, अब थोड़ी इन्होंने सेंटर में कर दिया। और ऐसी कुछ इसमें फुली LED सेटअप आपको लाइट्स देखने को मिलते हैं, कोई प्रोजेक्टर वगैरह नहीं है, LED रिफ्लेक्टर बेस्ड है। नीचे आपको प्रोजेक्टर मिल जाएंगे, 4 पॉइंट प्रोजेक्टर आपको देखने को मिलेंगे फोग लैंप में, ये कुछ है। और आपको सामने ना पार्किंग सेंसर भी इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि आपको पता है पार्किंग सेंसर तो आजकल हो रखे हैं, कंपलसरी हो रखे हैं, हर कंपनी देती ही देती है पीछे वाले, लेकिन इसमें आगे वाले भी दे रखे हैं, क्योंकि वेरियंट अच्छा है, इसमें फीचर्स अच्छे हैं। तो पार्किंग सेंसर की बात करें तो 4 इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे आपको। हेडलाइट्स मैंने आपको दिखा दी, ये कुछ है। नीचे आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है यहाँ पे, और जो बम्पर का नीचे वाला पार्ट नहीं, आपको थोड़ा मैट ब्लैक में देखने को मिलता है। ये इसका टो हुक है, यहाँ से आप अपना टो वगैरह कर सकते हो गाड़ी को। तो ये कुछ होगी भाई इसकी फ्रंट से बात। और मैंने आपको जो ग्रिल दिखाई थी इसकी क्रोम वाली, वो पूरी एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक कंटिन्यू रहती है। तो ये होगी भाई इसकी बात फ्रंट से। अब चलते हैं साइड में। तो साइड में जाने से पहले मैं आपको अगर दिखाऊं टायर साइज़ इसका, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 215/60R17 इंच के डायमंड कट आपको अलॉय देखने को मिलेंगे, HTX वेरिएंट से ही मिल जाएंगे। और अगर मैं इसके सस्पेंशन सेटअप की बात बताऊं, तो काफ़ी स्टेबल चलती गाड़ी, गड्ढे वगैरह फील आपको कमी कराती है अंदर, जैसे आप में सभी लोगों के पास होगी सेल्टोस, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये गाड़ी आपकी कैसे चल रही है। साइड में बात करें तो RVM पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे क्रोम डोला हैंडल्स हैं, पूरी क्रोम की लाइन इसमें कंटिन्यू होती है आपके पीछे तक। ये बिल्कुल सेम है जो फेसलिफ्ट से पहले इसका वेरिएंट आता था, उसमें भी बिल्कुल सेम है, साइड प्रोफाइल में आपको ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये हुई भाई बात साइड से। और यहाँ पे ना इसकी रूफ रेल्स भी हैं, और ये फंक्शनल है भाई, बिल्कुल फंक्शनल। आप यहाँ पे रैक वगैरह लगा सकते हो इसमें, बाकी सनरूफ भी है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप यहाँ पे रैक वगैरह लगाओ, फिर आपके सनरूफ का यूज़ नहीं रह जाएगा कोई। पीछे से बात करें तो पीछे आपको यहाँ पे सेल्टोस की बैजिंग देखने को मिल जाएगी सिल्वर फिनिश में, पहले क्रोम आती थी आपको पता है, लेकिन अब सिल्वर कर दी इन्होंने। नीचे आपको रिवर्स लैम्प देखने को मिल जाएगा, एक रिफ्लेक्टर है, और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको पीछे देखने को मिलेंगे। कैमरा आपका इधर, जैसे कि इसमें 360 तो आता नहीं, वो ऊपर इवेंट में आता है, जो रिवर्स कैमरा वो आपको यहाँ देखने को मिलता है, 4 पार्किंग सेंसर। और नीचे आपको सेंटर में तो ग्लोस ब्लैक है, लेकिन साइडों में इसमें मैट ब्लैक फिनिश है, ये कुछ है। ये इसका वाइपर डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटीना आपका इधर, किया का लोगो बीच में, और पूरी ही कनेक्टेड आपको इसमें टेल लाइट्स देखने को मिलती है, सारी चीज़ दिखाएंगे। तो ये थी भाई गाड़ी की बात बाहर से। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर जाने से पहले भाई बात करूँगा अगर इसके की की, तो की में आपको एक चीज़ अलग देखने को मिल जाएगी कि आपको ना यहाँ पे किसी भी साइड फ्रंट और बैक में आपको बटन नहीं देखने को मिले। आप कहोगे भाई गाड़ी खोलेंगे, तो गाड़ी खोलने के लिए आपको यहाँ बटन दे रखे हैं, ये देखो, लॉक अनलॉक होल्ड कर रखोगे तो स्टार्ट भी हो जाएगी, क्योंकि आपका ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है, स्टार्ट भी हो जाती है। मैं आपको भी स्टार्ट करके नहीं दिखाऊंगा। और ये नीचे वाला बटन जो है, ये आप होल्ड करके रखोगे तो आपका बूट भी खुल जाएगा, ये भी आपको देखिए जैसे अनफोल्ड हो गए, ये आपके फीचर इसमें आता है ऑटो फोल्ड वाला। तो अब चलते गाड़ी के अंदर। तो अंदर में भाई बात करने से पहले मैं आपको इसका डोर पैड दिखा देता हूँ एक बार। तो डोर पैड में आपको यहाँ पे देखो, एक तो आपको ग्लोस ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी लगती है इसमें। इसमें सिल्वर ग्लोस फिनिश के आपको यहाँ पे डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। ट्विटर की प्लेसमेंट आपकी यहाँ रहेगी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ग्रिल दे रखी है। और जो मेन स्पीकर है उसकी प्लेसमेंट रहेगी आपकी थोड़ी नीचे। तो ये कुछ है, यहाँ पे आपको लेदर फिनिश देखने को मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी लगती है अभी पूरी। यहाँ भी आपको नीचे लेदर सॉफ्ट टच फिनिश देखने को मिल जाएगी। चारों इसमें पावर विंडो देखने को मिलती है, जो ड्राइवर वाली विंडो है वो ऑटो अप और ऑटो डाउन देखने को मिल जाएगी। फोल्ड आप यहाँ से कर सकते हो मिरर इसके,
देखो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट राइट करके आप एडजस्ट कर सकते हो, लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो, ये कुछ है। और मैंने पावर विंडो आपको दिखा दी। यहाँ पे कंट्रोल्स की बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक तो वो आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको यहाँ बटन देखने को मिल जाएगा, हेडलाइट का जो लेवलर है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और भी कोई इसमें बटन नहीं है यहाँ पे। और एक यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाएगा। जो नीचे की प्लास्टिक है वो अगर आपको बेज में देखे डुअल टोन में इसका इंटीरियर है, वो आपको सारी हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलती है। तो ये कुछ है। अब बात करें अगर इसकी स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग में आपको दिख रहा हो जैसे ऑटोमेटिक वाला वेरियंट है IBT वाला पेट्रोल में, तो इसमें आपको पैडल शिफ्टर देखने को मिल जाएंगे। आप अपनी हिसाब से इसको गाड़ी को चला सकते हो, पैडल्स के हिसाब से मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हो। तो स्टेयरिंग कंट्रोल की बात करें तो वॉल्यूम, म्यूट, अप डाउन, मतलब जितने भी फीचर्स हैं इसमें, क्रूज कंट्रोल वगैरह से रिलेटेड जो भी है आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके वाइपर्स के लीवर की बात करें तो यहाँ पे आपको वाइपर देखने को मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक वाइपर नहीं है, लेकिन आपकी हेडलाइट ऑटोमेटिक आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, ये काफ़ी अच्छी बात है। स्क्रीन के फीचर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, पहले एक बार ऑल अराउंड इसकी गाड़ी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपके ट्रैक्शन के और ड्राइव मोड्स के आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे बात करें तो यहाँ पे आपका एक USB-C टाइप पोर्ट है और एक आपका USB-A टाइप पोर्ट है। 12 वोल्ट का जो सॉकेट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। वॉल्यूम के लिए यहाँ पे आपको नॉब मिल जाएगी, और जो मीडिया से रिलेटेड जितने भी कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, जो मतलब अच्छी बात है कि गाड़ियों ने अगर अब भी फिजिकल बटन सारे तो भाई ईजी पड़ जाता है आपको यूज़ करने के लिए, आपको हर टाइम स्क्रीन में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ है। यहाँ पे आप इसका रियर व्यू देख सकते हो, उसके लिए है पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ के लिए आपका यहाँ पे वेरिएंट वो बटन है आगे वाले पार्किंग सेंसर के लिए। यहाँ से आप अपना ट्यून फाइल कर सकते हो। यहाँ पे आपके सारे एसी कंट्रोल्स के ऊपर हैजार्ड स्विच आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, और इसकी हैजार्ड की ना एक बार आवाज़ सुनो, काफ़ी सूदिंग आवाज़ है भाई इसकी, ये भी काफ़ी अच्छी लगती है। ऑटो डिमिंग इसमें IRVM देखने को मिल जाएगा। इस तरफ के सनवाइजर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक टिकट होल्डर देखने को मिलता है, कोई भी रेन वो नहीं है यहाँ पे इसमें। वैनिटी मिरर इधर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा, लाइट कोई भी नहीं देखने को मिलती आपको। छत इसकी जो है वो काफ़ी अच्छे कपड़े में, मतलब गंदा थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि बेज कलर है, पर बाकी ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी लगती है। सीट बेल्ट की बात करें तो हाइट एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट देखने को मिल जाएगी, ये भी काफ़ी ठीक बात है। और सीट की एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको हाइट एडजस्ट भी देखने को मिल जाएगी, और आगे पीछे तो आप कर ही सकते हो इसमें, वो भी है ठीक है। और अब बात करें इसके ग्लोव बॉक्स की, तो ग्लोव बॉक्स आपको कूल्ड नहीं है भाई, कूल्ड देखने को नहीं मिलता, और ना ही कोई इसका लैंप है, कोई नहीं। यहाँ पे आपको लेदर फिनिश देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल सी भी देखने को मिल जाएगी, मतलब ग्रैब हैंडल तो नहीं है पर ये काफ़ी अच्छा डिज़ाइन सा बना रखा है उन्होंने। सेंटर कंसोल में बात करें तो हैंड ब्रेक के साथ आपको यहाँ पे दो कप होल्डर देखने को मिल जाएंगे, कप होल्डर और कहीं नहीं है गाड़ी में, यहाँ पे है। डोर पॉकेट में आपको हाँ बोतल होल्डर देखने को मिल जाएंगे, पर कप होल्डर आपको यहाँ पे नहीं पे मिलेंगे। इसके आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट के नीचे आपको काफ़ी अच्छी स्पेस देखने को मिल जाएगी, और नीचे ना इसमें मैट सा भी है, तो मतलब काफ़ी आपका सामान इधर उधर बजेगा नहीं, ये कुछ है। और इसमें आप स्लाइड नहीं भाई, स्लाइडेबल नहीं है, ऐसे ही है, स्लाइड नहीं कर सकते आप इसको। सीट्स जो हैं इसकी लेदर आपको सीट्स देखने को मिलेंगी फुली, ये कुछ है। पैनोरामिक आपको इसमें सनरूफ देखने को मिलती है, अगर खुलेगी तो दिखाता हूँ मैं आपको, अभी इग्निशन ऑन करेंगे तब खुलेगी, तो एक बार भाई इसका इग्निशन ऑन करते हैं फिर आपको फीचर्स की बात करते हैं इसमें। ये देखो, अगर आप एक बार और दबाओगे तो इसके, ये देखो एक बार, अभी लो फ्यूल की इंडिकेशन दिखा रहा है। तो इसमें अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो आपको यहां से आप फीचर्स इसके एडजस्ट कर सकते हो। 61% अभी इसकी बैटरी की दिखा रहा है क्योंकि अभी शिपिंग मोड में, तो बैटरी ने डिसेबल कर देते हैं। इसमें करंट ट्रिप की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी, कितने घंटे चली, कितने किलोमीटर चली और कितनी माइलेज इसने दी। और बात करते हैं यहाँ पर, आपको कंपास देखने को मिल जाएगा, टायर प्रेशर इसमें TPMS भी आता है, और ये कुछ इसके फीचर्स हैं। इसके फीचर्स मैं दिखाऊंगा आपको, तो ये एक तो आपको पता जैसे कि Hyundai किया के जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होते हैं काफ़ी स्लीक टू यूज़ होते हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक है। मतलब आपको है ना, बैटरी डिस्चार्ज और नहीं आ रही क्योंकि भाई मैं अभी इसको जल्दी बंद करने वाला हूँ, तो मैं अभी आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। एप्पल कारप्ले वगैरह आपको इसमें सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, सारे इसमें फीचर्स आपके पास हैं। बढ़िया इसमें आपके स्पीकर सिस्टम देखने को मिलता है, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। एयरबैग की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग आते हैं जो बेस वेरिएंट से आते हैं। अब मैं आपको एक बार इसकी रूफ दिखाता हूँ, ये देखो भाई बड़ी स्पीड से खुलती है अभी, ये देखो हाँ, ये चीज़ पहले से अपडेट होगी इसमें कि पैनोरामिक सनरूफ दे दिए, वरना पहले एक छोटी वाली सनरूफ आती थी तो, लेकिन भाई साइजी गाड़ियों में पैनोरामिक सनरूफ थोड़ी ठीक रहती है, मतलब आपको बढ़िया फील देती है। तो चलो भाई गाड़ी के प्राइस वगैरह की बात करते चलते बाहर।
बात करें भाई अगर गाड़ी के प्राइस की, तो गाड़ी का प्राइस आपको है ना 16,60,000 रुपये एक शोरूम देखने को मिल जाएगा। आप अपनी मतलब सिटी के हिसाब से आप ऑन रोड प्राइस इसका निकाल सकते हो। कमेंट में बताना आपकी सिटी में कितना ऑन रोड प्राइस पड़ता है इसका। तो वीडियो बताना आपको कैसी लगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको किसी भी गाड़ी की किया की गाड़ी की डिटेल्स चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे आप कॉल करके बात कर सकते हो। तो चलो भाई इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।